नमस्कार, जनसंदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। 2024 के मुकाबले की तैयारी के सिलसिलों में गठबंधनों का दौर शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस भाजपा विरोधी दलों को एकत्रित कर सप्रंग को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी है। वहीं भाजपा भी राजद में सहयोगियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। वैसे दोनों की ओर से ही तैयारियों को देखें तो भाजपा के नेतृत्व वाले राजद में पार्टियों की संख्या कांग्रेस के नेतृत्व वाले सप्रंग पर भारी पड़ सकती है। इसकी वानगी संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में विभिन्न दलों के शामिल होने और कार्यक्रम के बहिष्कार के दौरान भी देखने को मिला। कार्यक्रम के विरोध में 19 दलों की तुलना में समर्थन में 25 दल सामने आए थे। वैसे समर्थन और विरोध वाले कई दल सप्रंग और राजग से बाहर हैं। 2024 में सप्रंग के स्वरूप का अंदाजा काफी हद तक पिछले दिनों पटना में विपक्षी दलों की बैठक में लगाया जा सकता है। बैठक 15 दलों के नेता मौजूद थे बैठक में, लेकिन बैठक में आम आदमी पार्टी के रुख से साफ हो गया कि वो 2024 में सप्रंग से साथ जाने से परहेज कर सकता है। माना जा रहा है कि 12 जुलाई को शिमला में होने वाली बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को भी बुलाया जा सकता है, जो पटना की बैठक में नहीं था। इस तरह से सप्रंग का दायरा 16 से 17 पार्टियों तक बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर राजग में मौजूदा समय में 14 दल शामिल हैं। 14 मई को इन दलों ने राजग के बैनर तले बयान जारी कर नए संसद भवन के बहिष्कार के विरोध की निंदा की थी, लेकिन इनसे राजग में शामिल हो जाने से संभावित दल शामिल नहीं है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मुकेश सैनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का राजग में शामिल होना तय माना जा रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीजेपी की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर 2014 के बाद राजग छोड़कर गए दलों की वापसी की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अकाली दल की वापसी के स्पष्ट संकेत दिए थे। वहीं चंद्रबाबू नायडू के साथ अमित शाह की मुलाकात बाद टीडीपी की वापसी की भी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, जबकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हाशिए पर चली गई जेडीएस के 2024 के पहले राजग के खेमे में आने की बात शुरू हो गई है। वैसे दोनों दलों की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है। जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जिन पार्टियों का गठबंधन होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। बस आप अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखियो और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।